उत्तर प्रदेश जनपद बिजनौर के थाना नठौर क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में पुलिस हाईकोर्ट से जारी वारंट के आधार पर दबिश देने गई तो पुलिस पर आरोपी के परिवार वालों ने पथराव कर दिया। इतना ही नहीं, परिवार ने पुलिस पार्टी पर मिर्ची पाउडर भी डाल दिया, जिसके चलते पुलिस वाले मामूली रूप से घायल हो गए। इस मामले में प्रभारी निरीक्षक SP सिंह, ASI रामचंद्र, कांस्टेबल वर्नीश कुमार सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस ने निजामुद्दीन की पत्नी वकीला खातून, आकिल, जीनत, मोबीना, रुकैया आदि 5 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना यह है कि एक लड़की के बयान होने थे हाईकोर्ट, उसमें कोतवाल साहब आए थे उस लड़की को लेने के लिए, लेकिन जब वो दरवाजे खुलवाए तो वो दरवाजे नहीं खोले, फिर मुझे बुलाकर ले गए घर पर। मैंने दरवाजे खुलवाए तो वो चाबी हाथ में आई उनकी। फिर उसके बाद पुलिस जब घर में गई तो वो कहने लगे कि मैं क्या करना, वारंट दिखाओ, हमें दिखाओ, वो दिखाओ। पुलिस के साथ में कहाँ सुनी हो गई। उसके बाद में मनमुटाव हो गया इनमें। फिर उसके बाद में पुलिस बाहर आ गई और महिलाएँ जो थी वो पुलिस के साथ में आपका व्यवहार करने लगे। तो क्या मिर्ची उर्ची फेंकना? हाँ, पथराव का तो नहीं है, लेकिन वो बता रहे थे कोतवाल साहब कि मैंने मुंह धोया है, मेरी आँख में मिर्ची डाल दी गई। मैं तो बाद में पहुँचा वहाँ तो वो मिर्ची डालने को बताया। फिर उन्होंने जो है SPR साहब से बात करी तो वो और थानों की फोर्स, यहाँ आ गई 4-5 थानों की फोर्स। उसके बाद जो है उस लड़की के माँ को और बहन को ले गई और उसके भाई को लेकर चली। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के हैबियस कॉर्पस के मामले में, जो थाना नठौर के अलीनगर का मामला है, माननीय उच्च न्यायालय ने प्रस्तुत करने के लिए कई बार नोटिस जारी किया जा चुका है। 29 सितंबर को डेट लगी है। स्थानीय थाना प्रभारी द्वारा प्रधान एवं ग्रामीणों की मदद से उसके घर पर पहुँचे नोटिस तामील कराने के लिए, लेकिन उनके परिजनों द्वारा पुलिस पार्टी पर पत्थर चला दिए गए, लाल मिर्च झोंक दिया गया। पुलिस पार्टी द्वारा भी उन लोगों को, उसमें से 5 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में खास बात यह रही कि पुलिस पार्टी पर महिलाओं ने हमला किया। इस घटना को लेकर गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सिटी न्यूज दिल्ली संवाददाता, उत्तर प्रदेश बिजनौर से राजू फहीम की रिपोर्ट। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा, हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, सुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, स्वपन दोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ECG, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, TB का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9211432902, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।